रजा नाम है उसका जी, जो फुटबॉल प्लेयर थी पाकिस्तान टीम की, हॉकी प्लेयर थी। अच्छा वो क्यों गई? आज 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 एक खबर का मुझे पता चला, मेरे आंखों में आंसू अभी भी हैं। एक खबर का पता चला कि उसका बच्चा 3 साल का, उसके इलाज के पैसे नहीं थे, ही वॉज पैरालाइज्ड, ही नीडेड मेडिकल अटेंशन। प्रॉबली मेडिकल अटेंशन उसकी ज़िंदगी इतनी नहीं बदल सकता, मगर माँ बाप की हैसियत से माँ बाप को तो फिक्र होती है ना कि कहीं भी जाऊँ। तो वन ऑफ द रीजन्स वाई शी वेंट आउट वॉज द फैक्ट दैट हर चाइल्ड वॉज पैरालाइज फ्रॉम बर्थ। तो नतीजा ये हुआ, इसके माशरे के टेंशन कितने हैं। शी गॉट डिवोर्स्ड बिकॉज ये टेंशन और स्ट्रेस का बजाते खुद बुनियाद बनती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैरिजेस फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। तो लिहाजा जहां मुझे बहुत सारे जवाब देने हैं, ये भी जवाब देना है। तो मेरा बोझ तो बहुत है, मगर मेरी कोशिश आप लोगों से भी ये है कि ये कैफियत के ऊपर आप जैसे इल्म हासिल किए हुए लोग जब काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि इस मुल्क के अंदर इस मामले का हल भी होता रहेगा, इलाज के एतबार से भी होगा, प्रिवेंशन के एतबार से भी होगा, और उसके बाद माशरा जिम्मेदार है इनको अपने साथ रखने का, साथ चलाने का। तो बड़ी कोशिश, अगेन आई नेम माई वाइफ समीना आलवी, बड़ी कोशिश कि हम हर शहर में जाकर इस बात को प्रोब कर रहे हैं। पाकिस्तान के फिगर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल पीपल, हमने ये समझा है कि हम 10% को पिक कर लें, दुनिया के 14 या 15% हम 10% पर पिक करते हैं। छोटा बच्चा गोद में लिए जा लेकर फिर सकता है, उसके बाद जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है, माँ बाप गोद में नहीं ले जा सकते, तो एक्सेस नहीं है। एक्सेस के ऊपर हर जगह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह के बिल्डिंग कोड्स के अंदर अब ये यकीनी कैफियत बन गई है कि नई बिल्डिंग्स के अंदर इसका एहतमाम हो कि एक्सेस हो। यहाँ बाजार में मगर नहीं जा सकता। अब मैं CDA के ज़रिए और लाहौर में आर्किटेक्ट्स के ज़रिए एक कोऑपरेशन की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट फिलेंथ्रोपी के ज़रिए एक्सेस किया जाए। ये वो हैं जो पर्सन्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, पर्सन्स विद हियरिंग डिसेबिलिटीज़ के लिए। मतलब आप ये देखिए कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ और विजुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे और बड़े, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मेरी और आप जैसी है। डू यू हैव एनी डाउट? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़। सो देयरफॉर इफ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ आर द सेम, वी शुड बी एबल टू मेक देम फंक्शन इन सोसाइटी। आपने देखा कितने फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के एक यूनाइटेड नेशंस में मंदूब वॉज ब्लाइंड एंड शी रेड फ्रॉम ब्रेल एंड इट गेव मी प्राइड एंड पाकिस्तान प्राइड के जी वो वहाँ तक पहुँची। कुछ जज भी बने, रोकते रहे लोग उनको कि जज नहीं बन सकते। मैं भी बहुत सारे केसेस मोहतसिब के एज अ अपेलेंट अथॉरिटी ऑफ द मोहतसिबीन ये देखता हूँ कि जी क्यों किसी ब्लाइंड पर्सन को कहा कि जी तुम नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जब इम्तहान देने आ गया वो कि तुम तो नाबीना हो लिहाजा तुम नहीं चल सकते। तो लिहाजा जो सोशल एटीट्यूड्स हैं उसके अंदर इंसिस्ट किया जाए कि इनका रोल रहे, इंसिस्ट किया जाए, टाइम लगे, देर हो, डजंट मैटर, दे हैव टू बी अकोमोडेटेड हर जगह पर। पाकिस्तान के अंदर कानून भी बन गया, 2 से 3 से लेकर 5% एम्प्लॉयमेंट के अंदर यकीनन एम्प्लॉयमेंट देना है, हुकूमत में, इदारों में, मल्टीनेशनल्स में, हर जगह पर एम्प्लॉयमेंट देना है उसके लिए। मगर देखो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, नीचे से शुरू करें। मैं ऊपर की बात बाद में करूँगा, नीचे से शुरू करें। आपने जिक्र किया मेल न्यूट्रिशन का, स्टंटिंग का आपने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंशन के एतबार से हैंडल कर लिया जाए। स्टंटिंग इज समथिंग फॉर द फर्स्ट, फ्रॉम कंसेप्शन टू द फर्स्ट 1000 डेज स्टंटिंग के कैफियत से वो हर 40% पीपल, 38% पीपल इन पाकिस्तान, सम ऑफ यू एंड मी प्रॉबली आर इन्वॉल्व कि थोड़ी बहुत स्टंटिंग कहीं हुई हो। तो मेल न्यूट्रिशन को हैंडल करें, न्यूनेटल मोर्टेलिटीज़ का जिक्र है, वन ऑफ द हाइस्ट इंसिडेंट्स इन द वर्ल्ड। मैटरनल मोर्टेलिटी का जिक्र है, अगेन
मिडवाइफ्स डिलीवरीज का हाल हाल है मौजूद के कितना हेल्प मिलती है, स्पेशलिस्ट हेल्प और एटलीस्ट सम ट्रेंड वुमन हेल्प और पर्सन्स हेल्प इन इन ड्यूरिंग डिलीवरीज और सेरेब्रल पॉलिसी इज पार्टली पार्ट ऑफ दैट थिंग विच वी कैरी। अच्छा, इसको उस वक्त से शुरू करें, फिर स्कूल। अच्छा, स्पेशल स्कूल दुनिया के अंदर अब कम होते जा रहे हैं, अनलेस मेंटल इश्यूज हों, डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम हो, उनको भी नॉर्मल स्कूल्स में लाया जाता है। मगर ये कि बहुत सारी दुनिया के अंदर अब ये कैफियत आ गई है कि नॉर्मल स्कूल्स के अंदर चलाया जाए, और आपको बताऊं क्यों चलाया जाए नॉर्मल स्कूल्स के अंदर क्यों। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हमारे जो जो स्पेशल चिल्ड्रन नहीं है उनका एटीट्यूड टुवर्ड स्पेशल चिल्ड्रन मॉडिफाई हो, स्पेशल चिल्ड्रन को अंदाज़ा हो कि दुनिया बड़ी सख्त है, यहाँ तो अच्छे भलों को नहीं छोड़ती। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं समीना आलवी वॉज गिविंग व्हील चेयर्स टू सम चिल्ड्रन इन इस्लामाबाद। तो एक दो बहनें थीं, एक भाई और बहन था, उनको स्पाइनल डिविएशन था, कुब था जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो उनसे पूछा, उसने पूछा कि तुम्हें कोई, तुम स्कूल जाते हो, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? उसने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाय इसके कि बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कुबड़ा और कुबड़ी कहते हैं। वी शुड लर्न इन सोसाइटी, अगर इनको एक्सपोज नहीं करेंगे तो हमारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी एहसास नहीं होगा कि इनको कैसे हैंडल करें। और इतना सेंसिटिव इशू है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की हिदायत आई एक बारे में कि एक नाबीना साहबी को तवज्जो शायद कम दी गई हो, तो अल्लाह ने डायरेक्ट किया। कितना बड़ा मुसलमानों के लिए कितना बड़ा सिंबॉलिक है कि यू मस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू दीज पीपल। इम्पोर्टेंस क्या, इक्वल होने चाहिए, और इक्वल नहीं है, मैं रास्ता छोड़ूं अपना उनको बुलाने के लिए, उनको देने के लिए, उनको एक्सेस हर हवाले से बड़ी की जाए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जी जो एक्सेप्ट फॉर सम मेंटल डिसेबिलिटीज, ये जो बाकी तीन डिसेबिलिटीज हैं नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जाना चाहिए। लिहाजा क्या, लिहाजा हमने वो फिगर्स देखे इसकी अंदर पिछले 3-4 साल से जो मेहनत हुई उसमें ये फिगर्स देखे कि कितने एक टीचर कितने एक छोटे स्कूल के अंदर क्या काफ़ी होगा। मिसाल के तौर पर हाउ टू हैंडल पर्सन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो इसका फिगर वी आर गोइंग टू अराइव एट सम फिगर जो एक एक पैटर्न के तौर पर बन जाए। स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाकर पूछोगे तुम्हें करना है तो दे नीड गाइडेंस ऑल्सो, दे नीड प्रोग्राम्स, दे नीड अ स्क्रिप्ट हाउ टू डू थिंग्स, बजाय इसके कि वो भी असर नो, हर स्कूल असर नो सोचे। तो लिहाजा नंबर वन, दे शुड कम इन टू नॉर्मल स्कूल्स एंड द वर्ल्ड शुड हेल्प देम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इशूज इन सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर ऑटिज्म को समझना, मिसाल के तौर पर डिसलेक्सिया को कुछ समझा जाने लगा है। डिसलेक्सिया इज अ मच माइल्डर फॉर्म ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के बच्चे जो हैं वो बाज लोग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कमज़ोर होंगे। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नॉर्मल स्कूल्स के अंदर अब दुनिया के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान हैज़ टू लर्न। अब इसके बाद इन बच्चों को स्किल सेट्स भी दिए जाए, ओवरकम करने की कैपेसिटी दी जाए, स्किल सेट्स दिए जाए, क्योंकि हमने तो 2 करोड़ बच्चों को स्कूल के बाहर भी रखा हुआ है ना। मतलब पता नहीं क्या इलीट को क्या कैफियत आ गई है कि वो अपनी दुनिया में मगन है बस। भाई कौन जिम्मेदार होगा, आप नहीं और मैं नहीं तो कौन होगा जिम्मेदार? हुकूमत जिम्मेदार है। कैन दैट हैपन? हुकूमत कौन अलर्ट करता है? आप लोग। पूछने वाला कौन है हुकूमत से? आप लोग। आप सवाल नहीं करते, मुझसे सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग? 2 करोड़ 20 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं यार, मेरे बालों कोई जून तक नहीं रहेंगी जो उर्दू का मुहावरा है। क्यों? हु इज रिस्पॉन्सिबल भाई? किससे पूछेगा? अल्लाह आप ही से पूछेगा, मुझसे पूछेगा, जो कुछ कर सकते थे उनसे पूछेगा। प्ले योर रोल। तो देयरफॉर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप से कह रहा हूं तो आपसे भी कह रहा हूं। तो उनको जो नहीं पढ़ पाए उनको हम स्किल सेट दें मजबूरन। अभी सुबह, माफ कीजिए मैं माजरत कर लूँ आपसे कि मैं ताखीर से आया, क्योंकि कैलिफोर्निया के असेंबली के डेलीगेशन ने 9:45 बजे आना था, वो 10:15 बजे आए, है ना, उन्होंने आना था, और वो एक पार्टनरशिप बिटवीन कैलिफोर्निया एंड पंजाब उस हवाले से। तो वो
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर के अंदर जिस अंदाज से ये एटीट्यूड्स बदल रहे हैं, उस अंदाज से नॉलेज को पहुँचाना उन बच्चों तक जिनके पास कुछ कुछ स्पेशल कैफियत हो, वो बेइंतहा अहमियत रखता है। तालीम नहीं देते, दुनिया में फिसड नहीं है। उनकी क्या ख्वाहिश थी जो जो कैलिफोर्निया से आए थे कि जी हमें आईटी के अंदर लोग चाहिए, आप बनाइए। 2 करोड़ 20 लाख स्कूल के बाहर हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन के अंदर द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम मेट्रिकुलेट और फ्रॉम FSC इनटू हायर ट्रेनिंग इज 9% इन पाकिस्तान। एंड हुम आर यू कम्पीटिंग विद? नारा लगा लगा कर किससे कम्पीट कर रहे हैं? इंडिया, जहाँ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम इंटरमीडिएट इनटू हायर एजुकेशन इज अराउंड 20%, 22%। बांग्लादेश, श्रीलंका 20% के ऊपर है, पाकिस्तान में 9% है। और जो आ जाते हैं, आप ख्वातीन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो डॉक्टर बन गई, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई प्लीज डोंट, इतना महंगा है पढ़ाना आपको। अच्छी शादियां इज अ गोल बट नॉट द फाइनल गोल, है ना? तो मैं तो आजकल बड़ा फिक्रमंद हूँ इसको कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाना, फिर पढ़ लिख जाते हैं, फिर वो प्रोफेशन से दूर हो जाते हैं। तो इस मेरे ऊपर बोझ बहुत है, तो मैं आपके पास जब आया हूँ तो इस अपील के साथ आया हूँ कि द कंट्री नीड्स योर हेल्प। किससे मदद मांगेंगे आपके अलावा? तो ये जो कॉन्फ्रेंस आपने की, यकीनन ये इस बात का भी एहतमाम है कि कॉन्शियसनेस सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों की तरफ से बढ़े। 2-5% जो कंपल्शन है एम्प्लॉयमेंट का भी, उसका भी आपसे जिक्र कर लूँ। एक बड़ी मुश्किल नंबर वन ये कि एक पिछली गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऑल स्पेशल पीपल विल गेट 2,000 रुपीज़ पर मंथ ऑल देयर लाइव्स, विच वॉज अ गुड ग्रांट। उसके ये बहुत सारे स्पेशल लोग जो हैं ये रजिस्टर्ड नादरा में भी नहीं है। कौन ले जाएगा? अगेन वही बात आती है, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कितने चक्कर लगाएंगे। तो वहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि वन विंडो ऑपरेशन एक मरतबा आ जाए, उसके बाद इनको क्लासिफाई किया जाए। व्हेन यू क्लासिफाई स्पेशल चिल्ड्रन, अगेन देर आर WHO स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वी मे नॉट बी एबल टू फॉलो बड़ी बारीकी के साथ उन सारे स्टैंडर्ड्स को। क्यों? क्योंकि 15-15 पेजेस के फॉर्म्स हैं। नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक ही डिस्टिंक्शन था, क्या भाई सर्टिफिकेट लेने जाते थे कि भाई ये जॉब कर सकता है नहीं कर सकता। अच्छा, उससे वी हैव दिस, इन द लास्ट 2 ईयर्स वी हैव मूव बियॉन्ड टू द एक्सटेंट के डिसेबिलिटी का क्वांटम क्या है, किस हद तक, अगर ये इसकी बिनाई में कमजोरी है तो किस हद तक है, समात में कमजोरी है किस हद तक है, फिजिकल मूवमेंट में डिसेबिलिटी है किस हद तक है। तो इसके लिए एक बोर्ड चाहिए। अच्छा, बोर्ड में डॉक्टर का होना ज़रूरी है। अलबत्ता हमने ये कहा कि डॉक्टर का ज़रूरी नहीं है। फिर मिसाल के तौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन कहाँ मिलेगा आपको? हर जगह पर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हर जगह पर। तो लिहाजा वी लोड दैट लेवल, सम थिंग्स आर एविडेंट। जो पैरा क्लिनिकल लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ बता सकते हैं, और उनका नादरा का कार्ड बन जाए। जब एक एडवांटेज ये था कि हम ये कह रहे थे कि भाई तुम्हें 2,000 रुपये महीना फॉर लाइफ मिलने लगेगा, दैट वॉज अ गुड जेस्चर बाय द गवर्नमेंट। आजकल किसी वजह से, वजूहत से तो आप वाकिफ हैं किस वजह से रुका हुआ है, खबर रोजाना की खबर ही यही है कि आपकी जेब जो है उसके अंदर सुराख था या आप फजूल खर्ची करते थे, जो कुछ भी था आपके पास पैसे नहीं है ना। बार सूरत दीज आर द गोल्स विच पाकिस्तान वॉज ट्राइंग टू अचीव एंड जो पाकिस्तान अचीव कर लेगा। तो लिहाजा उनकी रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के 2 फवाद, एक तो सोसाइटी के एतबार से हाउ मच हेल्प अ पर्सन नीड्स और हिज फैमिली, एक दूसरे ये कि इसकी मेडिकल लेवल की सर्विस भी होगी कि किसका क्या इलाज की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, कॉकलियर इम्प्लांट्स की बच्चों को ज़रूरत मिसाल के तौर पर। तो ये जब तक रजिस्टर नहीं होंगे, जब तक स्टेटिस्टिक्स नहीं आएंगी, तो दे कांट बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जिसको सर्विस किया जा सके। एडजंक्टिव डिवाइसेस जो हेल्प करें, आजकल तो बड़ा आसान है कि माय सेलफोन, इफ़ आई कांट सी माय सेलफोन कैन स्पीक टू मी। अच्छा, ये भी कोई रेजिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है। जब मैं बॉस्टन जाता था, माय डॉटर लिव्स इन बॉस्टन, तो जब मैं बॉस्टन जाता था तो वहाँ पर आई डोंट रिमेंबर बट देयर वाज अ यंग मैन जिसने PhD किया फिजिक्स के अंदर, एंड ही कुड नॉट सी, ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये चीज़ रोकती नहीं है, और अब टूल्स इतने मिल गए, अब टूल्स
फॉर द ब्लाइंड पीपल जो देख नहीं सकते उनके लिए बहुत हैं. द फोन कैन इवन टेल यू कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है. इट कैन एक्ट लाइक अ वाइट केन ऑल्सो. बट देन टू बी एबल टू गिव दिस टू ऑल दोज पीपल हु नीड इट. फिर इनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो विजुअली जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि वन आई नेम ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की. मिसाल के तौर पर KFC हैज़ एन आउटलेट इन कराची, प्रॉब्ली वन इन इस्लामाबाद, आई एम नॉट श्योर, बट वन इन लाहौर, जहाँ पर सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड लोग काम करते हैं. हाउ नाइस, व्हाट अ प्लेजर. यहाँ पर उनके वो प्लेकार्ड है कि हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, मेन्यू सामने हैं, इशारों से वो बात कर लेते हैं, एंड फुल सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड बाय हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल. यहाँ इस्लामाबाद के अंदर देयर वाज अ स्मॉल आउटलेट जो बच्चे चलाते थे. तीन हियरिंग इम्पेयर्ड भाई थे, हैं, उनकी एक बहन है जो सुन सकती है सब कुछ. उसने वो सेटअप कराया कि वो अपनी बस पार्क कर लेते हैं, इट्स अ फूड आउटलेट. तो देखें, सोसाइटी में ये मोहब्बतों के साथ इनको एटीट्यूड्स बदलना, इनको अकोमोडेट करना, इनको नौकरियां देना, वो भी अब चेंज करने की नीयत में कर रहा हूँ कि नौकरियां वो नहीं जो स्टीरियोटाइप नौकरी है कि भाई इसका ये काम है एंड ही शुड कम टू दैट लेवल. नो, यू विल हैव टू क्रिएट अ जॉब टेलर्ड टू द पर्सन. सब बड़ा आसान है, कंप्यूटर ऑपरेटर बना दो, ठीक है. और बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि द स्पेशल पर्सन शुड परफॉर्म एट दैट लेवल ऑफ 100% जो दूसरा परफॉर्म कर सकता है. और जो दूसरे 100% परफॉर्म करने में काहिली में आप जानती हैं, वो भी 50% परफॉर्म करते हैं. बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है परफॉर्मेंस का. तो लिहाजा वहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स को अकोमोडेटिव बनना चाहिए. ये एफर्मेटिव एक्शन माशरा लेता है. क्यों लेता है? देखिए, मेरा और आपका ज़मीर, मेरी और आपकी जो मोहब्बतें हैं, उनको डल नहीं किया जाना चाहिए. वो तकलीफ आपको, अगर डॉक्टर बन गए तो आपको वो वक्त भी याद होगा जब खून देखकर आप परेशान होते थे कि भाई इसका कुछ हो, और ये वक्त भी याद होगा कि जब किसी को आप देखते हैं तो उतना पैनिक आपके अंदर नहीं होता क्योंकि आप आदि हो गए. तो वो जो आदि होना है जुल्म के हवाले से, जो आदि होना है माशरे की कमजोरियों के हवाले से, आदि मत हो. अपने जमीर को झंझोड़ते रहें हर मौके पर. वेन एवर यू सी समथिंग, है ना, योर कॉन्शियस शुड मोटिवेट यू. और सिर्फ आपका नहीं, आप ओपिनियनेटेड लोग हैं, आप माशरे के अंदर ये तब्दीली अपनी जबान और गुफ्तगु से भी ला सकते हैं. तो लिहाजा बड़ा अच्छा, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, और मैं ये मौका तलाश करता हूँ हर एतबार से कि माशरे के अंदर जाऊँ. इसी वजह से उर्दू में बोलता हूँ कि शायद टेलीविज़न पर कोई इस पर तवज्जो दे ले, मगर जितनी रेजोनेंस करेंगे उतना फ़र्क पड़ता है. रेजोनेंस की आपको बात बताऊं, आप कोविड के अंदर कामयाब हुए, बहुत कामयाब हुए. क्यों हुए? कि रेजोनेंस बहुत थी और आपने स्किल सेट ऑर्गेनाइज अंदाज से इस्तेमाल किया. एक, दूसरे मसाजिद खुली रखी. तीसरे ये कि आपने अपने लोगों की हमदर्दी में टोटल लॉकडाउन्स नहीं किए, तो अल्लाह ने बरकत डाली. यू सी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंटेंट, ऑफ योर स्मार्टनेस, ऑफ योर इंटेलिजेंस, और उसके अंदर फिर अल्लाह भी बरकत डालता है. ये दुनिया इंटेलिजेंस की दुनिया है, ये वो वाली दुनिया नहीं है जो हम हर वक्त पैसे मांगे, ये वो वाली दुनिया नहीं है. इंटेलिजेंस की दुनिया है, मेक श्योर कि आपके अंदर एम्पथी हो, आपके माशरे में एम्पथी हो, आपके माशरे में तालीम हो, और आपके माशरे में सेहत हो. इन तीन इंग्रेडिएंट्स के अलावा यू डोंट नीड नेचुरल रिसोर्सेज. देर आर कंट्रीज, यू एंड आई कैन नेम सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज आप खुद गिन सकते हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. इट्स द इंटेलेक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड टुडे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू माशाल्लाह इंटेलिजेंट पीपल एंड अचीवर्स ऑफ सोसाइटी. और आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, आपका शुक्रिया. थैंक यू जनाब, अस्सलाम वालेकुम. सर, डॉक्टर आरिफ अलवी वालिज के मरज के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर्स की तरबियत अहमियत रखती है, माजूर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए. पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से ये थी ताजा तरीन. खिलाफ थे कि उनको एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए. ये ट्रेंड अब भी है. मसलन PTI जो थी, उसकी पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो अभी वोटेड आउट की गई है,
उस गवर्नमेंट का ये था कि मैं इस अपोजिशन के साथ जो सबके सब चोर और करप्ट और डाकू हैं उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा। अच्छा, वो अब वो हुकूमत चली गई और ये हुकूमत आई।